जय श्री राम। हाँ तो आप खगड़ा सर के साथ जयपुर गुज में तो सबको प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको ये बहुत बढ़िया टॉपिक लाया हूँ। क्या है भाई? तो दो अंकों को किसी भी संख्या के साथ 11 से गुना करने पर करने का सबसे फास्ट ट्रिक। जी हाँ, दो अंकों कि जो जितने भी संख्या है उसको 11 से गुना करने का सबसे फास्ट ट्रिक क्या है, तो आइए उस पर हम फोकस डालते हैं। उसके बारे में हम जाने पहचाने जल्द से जल्द 11 से गुना दो अंकों के किसी भी संख्या के साथ कैसे करें। तो हाँ दोस्तों, मैं सबको एक फास्ट नियम बताने का और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो आइए मैं बिना देर किए हुए वीडियो प्रारंभ करता हूँ। जी हाँ, या फिर देखिए हम मान लीजिए कि 11 है, ठीक है, उसको हमको करना है 12 से गुना। क्या करना है? 11 से को 12 से गुना करना है। हाँ तो देखो, एक जो 11 हुआ जो लेफ्ट साइड हुआ, अब ये 12 जो है कहाँ राइट साइड में हो गया, है ना। देखिए बीच में गुना का चिन्ह है, 11 पहले है, 12 बाद में है, 11 पहले है और 12 क्या है बाद में है। तो देखिए जो भी राइट साइड में अंक रहता है ना, उसको पहले फैला के लिखते हैं। क्या करते हैं? फैला के लिखते हैं। जैसे अब 12 है ना, तो है ना 12 को कैसे लिखेंगे? 12 ऐसी, ठीक है। उसके बाद जो भी राइट साइड में संख्या होता है उसको आपस में प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। सब देखिए 12 है ना, तो एक और 2 है, तो 1 और प्लस 2 उसके पास जाएगा 3 हो जाएगा। और इसी संख्या को हम क्या करते हैं? बीच में रख देते हैं। यानी कि 12 को हम पहले क्या करते हैं? या 1 और 2 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर 1 और 2 को क्या करते हैं? देखो 1 प्लस 2 तो कितना हो गया? 3। और 3 आ गया तो इसको बीच में या फिट कर दिए तो कितना हो गया? 132। तो हाँ, आपने सच ही देखा और सुना। देखिए 11 × 12 कितना होता है? 132, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 11 × अब मान लिया जाए कि आपको दे दिया जाए 15, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 15 को एक जगह फैला देंगे, 15, ठीक है। अब बीच में देखिए 15 क्या लिखा था? 1 और 5 लिखा था। कैसे लिखा था? 1 और 5, तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। और 6 बीच में लिखिए तो हाँ मिलता है। देख रहे हैं आपने सच ही देखा। देखिए 165 है ना, 11 × 15 कितना होता है? 165। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कितना होता है, ये तो हम आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, देरी हो रहा है। अभी 11 × हम 16 करते हैं, ठीक वैसा ही, मतलब 1 को पहले और 6 को पीछे और बीच में 6 × 4 तो 176। 11 × 16 से पहुँचता है 176। मैं समझता हूँ कि आप बढ़िया समझ रहे हैं। फिर देखिए 11 × मान लो 11 × हम अब देते हैं 25, ठीक है। 11 × 25 लेते हैं, तब देखिए हम 2 और 5 को लिख करके और 5 × 2 = 7 करते हैं 275। अब देखिए तेजी से हम कर रहे होते हैं, तो देखिए 5 तो 11 × हम मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं आपका 18, ठीक है। तो 18 को देखिए कैसे लिखते हैं जल्दबाजी में, तो 1 और 8 ऐसे लिख देते हैं, 8 × 9 तो 98 हो गया। मेरे प्यारे गाइस, मैं समझता हूँ कि ये बात आप बढ़िया समझ रहे होंगे और किसी के पूछने पर आप
बहुत आसानी से इसको जवाब दे दीजिएगा, रिप्लाई कर दीजिएगा। तो 11 गुणे आप हम लेते हैं 37, ठीक है। तो देखिए 3 और 7 तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन 7 जब 10 हो जाता है तो 10 के 0 लिखेंगे, और यहाँ 3 में 1 मिला देंगे जो हासिल है, तो कितना हो जाएगा, तो आपको 407 हो गया, है ना। तो मैं समझता हूँ प्यारे कि आप बढ़िया समझ गए होंगे, और किसी को भी पूछने पर कहीं पर भी पूरा करने पर ऐसे 2 अंकों के साथ किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने पर आप फास्ट यानी कि जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम।